उमापति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है उमापति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है कृष्ण कन्हैया को बलराम जी के भैया को 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 मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है अंजनी के दूत को श्री राम जी के दूत को अंजनी के दूत को श्री राम जी के दूत को अंजनी के दूत को श्री राम जी के दूत को अंजनी के दूत को श्री राम जी के दूत को अंजनी के दूत को श्री राम जी के दूत को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है दशरथ राज दुलारे को कौशल्या के प्यारे को 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 मेरा प्रणाम है जी मेरा उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है माता पिता के चरणों में गुरु जी के चरणों में माता पिता के चरणों में गुरु जी के चरणों में माता पिता के चरणों में गुरु जी के चरणों में माता पिता के चरणों में गुरु जी के चरणों में माता पिता के चरणों में गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है ओ गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है ओ मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है ओ मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है ओ मेरा प्रणाम है जी मेरा प्रणाम है सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी होय मिले भरोसा राम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईशु।
पाप से हमें बचाइए प्रभु, करके दया दयाल अपना भक्त बनाई के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता और मन में प्रेम प्यार, हृदय में धीरज वीरता सबको दे करता। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वी। कहा पिताजी मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर विजय हासिल कर ली, मैं जीत गया। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लग पड़े। कहा बेटा कहां करी तूने तपस्या? कहा हिमालय की गुफा में गया था मैं। अब ब्रह्मा जी तो जानते थे इस बात को कि वहां पर भोलेनाथ ने तपस्या कर रखी, उस स्थान की तो महिमा ही बड़ी अपार है, वहां पर इन कामदेव के बाणों का कोई असर नहीं हो सकता। और ये मेरे बेटे के दिल में तो अभिमान आ गया, घमंड आ गया कि मैंने काम के ऊपर विजय हासिल कर ली। बोले अच्छा कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है तूने तपस्या करी, काम के ऊपर विजय हासिल कर ली, लेकिन बेटा एक ध्यान रखना, ये बात तूने मुझे बता दी, ये किसी और के पास मत बोलना, कहीं भगवान शंकर के सामने जाकर ऐसी बात कभी मत करना कि मैंने कामदेव पर विजय हासिल कर ली। अच्छा पिताजी, अब बाहर से तो देवऋषि नारद जी अपने पिता को हैं, कहा कोई बात नहीं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अंदर क्या विचार चल रहा? बोले मैं इतना बड़ा पादरी जरा काम कितिया और मेरा बुढ़ा जैसे मैं जड़िया करा पे कुछ ने दिया दस्ता पे, ये कोई छुपाने की गल ही, ये तो बख्यान करने की गल ही कि मैंने काम के ऊपर विजय हासिल कर ली कि मेरे पिताजी मुझसे जलते हैं। बोला कोई नहीं पिताजी मैं नहीं बताऊंगा। अब तो मन में वही विचार पहले, बोले जाना ही शिव जी बोला जो है, वहां से उठे देव ऋषि नारद जी और भोलेनाथ भी समाधि में बैठे थे, चरणों में प्रणाम किया देव ऋषि नारद जी ने। कहा आओ नारद जी, जाग गए भगवान, कैसे आना हुआ? कहा महाराज ऐसे ही भ्रमण करते। कहा प्रभु मैंने तपस्या करी, आपको पता चला इस बात का? कहा नहीं मुझे तो इस बात का कोई पता नहीं, किसी ने नहीं बताया मुझे। कहा प्रभु मैंने हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर के तपस्या करी, कामदेव भी स्वयं मेरी तपस्या को भंग करने के लिए आया, लेकिन वो भी हार गया मुझसे, मैंने तो काम के ऊपर विजय हासिल कर ली। भगवान शंकर भी मुस्कुराने लग पड़े हैं कि देखो इसके मन में कैसी कैसी बातें चल रही है। ध्यान लगाया भगवान शंकर ने कि कहां से आ रहे देव ऋषि नारद जी, पता चल गया पहले का राजो गई रहा, पहले बूढ़े ने गलाई में आया डा है, और ब्रह्मा जी ने इनकार किया, इसके पिता ने इनकार किया कि किसी के समक्ष जाकर के ऐसी बात मत बोलना, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने आकर के बोलता है कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय हासिल कर ली। भगवान शंकर ने भी बोला बड़ी अच्छी बात है, तो आपने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन नारद जी ये बातें होती सबको बताने की नहीं होती है, जहां दिल किया वहां पर जाकर के ऐसी बात बोल दी, इस बात को अपने पास रखो, आप बखान मत करो। देव ऋषि नारद जी सोचते ले मेरा बुढ़ा तो जड़ है, शिव जी भी मैं ते जड़ करा पे, मैं काम देव बबर विजय हासिल कर हैं। इनके मन में भी देखो, बोले बताया तो नहीं किसी को, पिताजी को तो नहीं बताया? बोला मैंने नहीं बताया, झूठ बोल दिया भगवान शंकर से। अब विष्णु के पास तो नहीं गए? बोले तीर्थ जो मैं गई रही हूं, वहां तो अभी तक जाना शेष था, और वहां पर प्रणाम करके अब तो मन का घमंड और ज्यादा बढ़ने लगा महाराज हैं, कि देखो मेरा पिता भी मुझसे जलता है, और यहां तक कि भगवान शंकर भी मुझसे जलते हैं इस बात से कि मैं तो काम क्रोध लोभ वो। भगवान के पास जाकर के देव ऋषि जी पहुंच जाते हैं, प्रणाम किया। नारायण भगवान पहले ही देव ऋषि के स्वागत के लिए खड़े थे, तिन्हों पता है मैं बोला जो यार आओ नारद जी कैसे आना हुआ? कहा महाराज मैं बड़ी घोर तपस्या करके आ रहा हूं, और मैंने काम के ऊपर विजय हासिल कर रखी है। विष्णु भगवान ने बोला बड़ी अच्छी बात है, हैं? अरे आपसे तो कामदेव भी हार गया, झूठी तारीफ करती भगवान ने उसकी, हैं? ये तो आपने बड़ा बहादुरी का काम किया तो बड़ी अच्छी बात है, अरे आपकी ख्याति तो चारों तरफ फैल जाएगी। अब बड़े खुश हुए, बोले शिव जी ये भी
भगवान शंकर ने भी बोला किसी को मत बताना, लेकिन विष्णु भगवान ने ऐसा नहीं बोला। इसलिए तो मैं इनका सबसे प्रिय भक्त हूँ, सबसे प्यारा भक्त हूँ। इन्हें कुछ नहीं बोले, बाकी बोले मेरा तो बूढ़ा भी जड़ा कि नहीं शिव जी की बातें जड़ता। अब महाराज वहां जाकर के भगवान विष्णु के पास सारा हाल सुना करके वहां से प्रस्थान कर दिए। देवर्षि नारद जी नारायण नारायण बोल के वहां से चल दिए। और विष्णु भगवान ने तो अब इनका घमंड चूर करना था। आकाश मार्ग में जा रहे देवर्षि नारद जी और भगवान श्री हरि ने क्या किया, जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग के बीच में एक बहुत बड़ा साम्राज्य का माया नगरी का निर्माण कर दिया। कैसी नगरी, बोलो जोर से, माया नगरी। एक माया नगरी का निर्माण कर दिया। और कैसी सुंदर ये माया नगरी बनाई महाराज। यहाँ का राजा है शील निधि, क्या नाम है? तू भी ना, तू भी ना।